आज का टॉपिक है बायो मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, आई मीन चैप्टर, हम लोग इसको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाउ लेट मी गिव द हेडिंग फर्स्ट। Now, what is this biomolecules? Can anybody tell anyone? What is the biomolecules? Generally, if we say all molecules, all compounds or molecules, all compounds or molecules present in living cell is called biomolecule. So all the compounds or molecules, whatever it is, when it is present in the living cell, we called it as a biomolecules. Now these compounds, generally they are all carbon compounds. Generally they are all carbon compounds, right? Now these molecules which are over there, so we will say within that, now the bio elements, what are these bio elements? We'll talk about the bio elements within फिर कौन आया स्वयं, ठीक है, विद इन दीज 118 नोन एलिमेंट, विद इन 118 नोन एलिमेंट 20 to 25 एलिमेंट are found as essential for life. So 20 से 25 elements जो है elements are essential for life. ठीक है, अब ये जो 20-25 एलिमेंट जो भी लाइफ के लिए एसेंशियल है, दीज आर कॉल्ड एज एसेंशियल बायो एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड एसेंशियल बायो एलिमेंट। नाउ लेट अस लुक एट दीज essential bio element, starting from this is oxygen, this is carbon, this is hydrogen, this is nitrogen, then there will be calcium, okay, and then there will be phosphorus, then there will be chlorine, okay, then there will be sulfur, okay, then potassium, sodium, then magnesium, okay, and then iodine,
ओके, आयरन, देन कॉपर, देन कोबाल्ट, जिंक, देन सिलिकॉन, मैंगनीज, फ्लोरीन, वैनेडियम, ओके, मॉलिब्डेनम एंड बोरॉन, देन क्रोमियम, ओके, एल्युमिनियम, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर दी बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. नाउ दीज बायो एलिमेंट ये इतने सारे हैं. नाउ दे कैन बी डिवाइडेड एज अ प्रिंसिपल एलिमेंट और मेजर एलिमेंट और अनदर इज कॉल्ड एज माइनर एलिमेंट. ठीक है. सो बेसिकली ये दो पार्ट है लेकिन इससे आगे भी है. अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. बट लेट अस फर्स्ट टेक अ लुक अबाउट दी बाय आई मीन दी एलिमेंट. एलिमेंट्स को पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं. नाउ लेट अस डिवाइडेड दीज एलिमेंट. सो वी विल टेक द टॉपिक एलिमेंट. नाउ एलिमेंट इट कैन बी डिवाइडेड एज अ मेजर एलिमेंट, देन इट कैन बी एज अ माइनोर एलिमेंट. किसी किसी जगह में इसको और एक में डिवाइड किया है, इसको कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट. एसेंशियल एलिमेंट एंड द लास्टली इज कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज दीज मेजर एलिमेंट. नाउ मेजर इफ वी टॉक अबाउट दी मेजर एलिमेंट. नाउ मेजर एलिमेंट इट इज अप्रोक्सीमेटली 96 to 97. ओके. सो वी विल टेक इट 96 to 97% ऑफ दी टोटल यू नो सेल्युलर मेटेरियल विच इज कंपोज ऑफ. इट इज मेड अप ऑफ टोटल सेलुलर कॉम्पोनेंट. इज मेड अप ऑफ बेसिक फोर एलिमेंट. फोर बेसिक एलिमेंट. एंड दीज फोर बेसिक एलिमेंट आर ऑक्सीजन, कार्बन. मैं अपने तरीके से इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सीक्वेंस बन जाएगा. आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन. ठीक है. हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में बोलता है कौन आया. ठीक है. कौन. सो CHON कौन. दीज आर कॉल्ड एज मेजर एलिमेंट. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इस तरह से याद रखो. देन नेक्स्ट इज माइनोर एलिमेंट. सो अगर हम इसको 95 कर देते हैं तो एक्चुअली माइनोर एलिमेंट जो है ये 5% ऑफ द टोटल कॉम्पोनेंट. 5% ओवरऑल. ठीक है. 5 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है जैसे 5 to 3% है बट 5% इज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द सेलुलर कॉम्पोनेंट. 5% ऑफ
cellular components. Cellular components. Now, in these components, they can be metals, they can be non-metals also. So, even they can be further divided as these minors can be further divided as metal and non-metal elements. So, one it is called as metal or it is called as non-metal. So they are minor elements, non-metals and metals. So metal elements hum kisko kahenge? Metal elements, we will talk about the metal elements. Hum jante hai metal elements ki calcium, uske saath potassium, उसके साथ है सोडियम. सोडियम इज मेटल और नॉन मेटल? मैग्नीशियम. हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम. देखो सही लिखा है ना? सही लिखा है कि नहीं देखो एक बार. ओके, इसके साथ आयरन भी तो मेटल है, इसीलिए मैंने बोला कि सही लिखा है कि नहीं एक बार देखो. आयरन भी तो मेटल है. सो दीज दे कॉन्स्टिट्यूट दी 5% में 3% हो गया मेटल पार्ट. ये 3% हो गया, ठीक है, ये 3% हो गया. बाकी नॉन मेटल पार्ट का जो है वो 2% है. नॉन मेटल में कौन कौन आएगा? इसमें इसमें आएगा आपका सल्फर, ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा फास्फोरस, ये यहां पर ही मैंने थोड़ा भूल गया, पोटेशियम, ठीक है. फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, ठीक है, यहां पर ही मैंने लिख दिया इसको. मुंह में बोला पोटेशियम, लिखने के समय उसको पी लिख दिया. एनीवेज, सो फास्फोरस इज अ नॉन मेटल और उसके साथ साथ क्या है? क्लोरीन. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल और आयोडीन इज अ नॉन मेटल. सो सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है, सॉरी सल्फर, सोडियम नहीं सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आयोडीन, ये आपके हो गए नॉन मेटल. तो चार नॉन मेटल है और इधर आपकी 5 मेटल है. ये आपके 2% ऑफ द 5% और ये आपकी 3%. तो 3:2 रेशियो में ये बढ़ गया. सो दीज आर कॉल्ड एज माइनर एलिमेंट. थैंक यू. अब क्वेश्चन आते हैं, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, तो फिर एसेंशियल एलिमेंट हम किसको कहेंगे? ये तो सारे ही एसेंशियल लग रहे हैं हमें दिखने में. यस, द क्वेश्चन इज करेक्ट. नाउ ये जो 13 एलिमेंट ऊपर में हमने लिखा है, ठीक है, ऊपर में जो 13 एलिमेंट हमने लिखा है, ये 13 एलिमेंट दैट इज मेजर एंड माइनर, इनको मिला के कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट. सो एसेंशियल एलिमेंट किसको कहेंगे? एसेंशियल एलिमेंट. एसेंशियल एलिमेंट इज मेजर प्लस माइनर, जो भी है इसको लेके कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट. तो इनमें से दोनों में कितने हैं? 13 एलिमेंट्स है. 13 एलिमेंट्स है जो कि एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं. बाकी का जो एलिमेंट्स है वो ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज ये लेस देन 1%, ठीक है, ये ट्रेस एलिमेंट कहते हैं. So these are less than 1%. ठीक है, बाकी जो है वो
less than 1%. नाउ इसमें भी मेटल नॉन मेटल सारे हैं, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल सारे हैं। जैसे हम टोटल एक ही बार में लिख देते हैं, इसमें अगर ट्रेस में अगर मेटल आएगा, जो ट्रेस मतलब बॉडी का ट्रेस, अब वो पीरियोडिक टेबल वाला ट्रेस मत समझो, ये सेल में ट्रेस एलिमेंट के रूप में है, ठीक है, ये सेल में ट्रेस एलिमेंट के रूप में है। सो दिस इज कॉपर, देन कोबाल्ट, देन जिंक, बहुत ही कम मात्रा में लगते, ट्रेस एलिमेंट दे रिक्वायर इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। सो जिंक, मैंगनीज, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट थिंक दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जिंक, उसके बाद सिलिकॉन, जिंक हो गया, मैग्नेशियम, सिलिकॉन है, उसके बाद फ्लोरिन है, देन बोरोन है, ठीक है, ये मेटल में आ रहे हैं। और नॉन मेटल में, सॉरी नॉन मेटल में आपकी सिलिकॉन, फ्लोरिन, बोरोन, ये सिलिकॉन, फ्लोरिन, बोरोन जो है ये नॉन मेटल का पार्ट है। एक ही जगह में मैं लिख दिया टोटल को, ठीक है, एक ही जगह में टोटल लिख दिया, तो ये नॉन मेटल का पार्ट हो गया, बाकी ये एक दो तीन चार जो है ये मेटल का पार्ट हो गया। तो ये जो कितने इधर आए, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात एलिमेंट जो है यहाँ पर ही आपके ट्रेस एलिमेंट्स में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? और बाकी ऊपर जो था, ऊपर में पांच था, पांच है आपकी मेजर एलिमेंट्स में चला गया, पांच आपकी ये मेजर एलिमेंट्स में गया, आपका माइनर एलिमेंट्स में बाकी आया, माइनर में आपकी ये माइनर में जितना आपका इसका क्या नाम है, ये मेटल एंड नॉन मेटल मिला के जितना है, ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ, सो ये होके आपका मिल गया है टोटल द एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड। अब इसके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो वो भी एकदम कम मात्रा में है, उसके बारे में यहाँ पर ही बात नहीं किया है। तो ये था आपकी एक ओवरव्यू। अब हम लोग चलेंगे सेलुलर पूल बोल के एक सब टॉपिक है इसमें, सेलुलर पूल की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज सेलुलर पूल? सेलुलर पूल की कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी, सेलुलर पूल का मतलब क्या है? इट इज, पूल का मतलब है कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट, राइट, और बायोमोलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूल कहते हैं। सो प्रेजेंट इन सेल, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सेल, सो इसको क्या कहेंगे? सेलुलर। अब समझ में आया? मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? पूल। व्हेन दिस कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल, तो वो हो गया सेलुलर। इसका मतलब है, सेलुलर पूल का मतलब है सारे बायोमोलिक्यूल्स, जितने सारे बायोमोलिक्यूल्स एक सेल में पाए जाते हैं उसको कहते हैं सेलुलर पूल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेलुलर पूल। नाउ दिस सेलुलर पूल हैज थ्री फेजेस, सेलुलर पूल has three phases. Now, what is these three phases? Basically, three नहीं है, three से ज्यादा ही है, मैं तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बात करूं। बेसिक फेज जो है, it has, cellular pool has, cellular
मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जितना आसान से हो सके। सेलुलर पूल हैज टू फेजेस, मैं बताता हूं, पहले टू फेजेस के बाद बताता हूं, हैज टू फेजेस। नाउ व्हाट इज दीज टू फेजेस, ये टू फेजेस है एक्वाटिक एंड नॉन एक्वाटिक, और एक्वस कह सकते हैं, ठीक है, एक्वस, एक्वस फेजेस एंड नॉन एक्वस फेज। सो दो फेज है, एक एक्वस एंड नॉन एक्वस, डिस्क्राइब बाद में करेंगे। ये एक्वस फेज भी फिर आगे चल के दो फेज सब फेजेस में बदल जाते हैं, यानी कि दो अलग अलग फेज इसमें प्रेजेंट है। एक है मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, और दूसरे को कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। एक इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, दूसरा इसको कहेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फेज क्या है, एक्वस क्या है, नॉन एक्वस क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया किसी भी पॉइंट पे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन, एक्वस फेज का मतलब क्या है। एक्वस फेज का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, सेल में वाटर होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो फिर नॉन एक्वस में क्या होगा, से नॉन एक्वस ऑब्वियसली दे विल नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, सो इन सच अ फॉर्म ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच मॉलिक्यूल्स, द सच अ फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच डिजॉल्व इन वाटर, एंड नॉन एक्वस में सच अ फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच Do not dissolve in the water. अब मैंने कहा कि aqueous solution में दो अलग अलग की sub phases होते हैं, एक है molecular solution, so molecular solution. Now what is this molecular solution? ये clear and transparent solution. सबसे पहले हम ये बताएंगे, it is a clear solution, पानी की तरह. Clear and transparent solution. एकदम पानी की तरह clear solution, ठीक है। Now, इसमें जो dissolved molecules है ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। Molecules are very small. Molecules आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। ये जो जिस टाइप की है इसमें जनरली क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आते हैं, कुछ सैकराइज मोनोसैकराइज टाइप के आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है, दे टोटली डिजॉल्व इन द वाटर, एकदम एक ही लैंग्वेज में कह सकते हैं टोटली डिजॉल्व इन वाटर, ऑफकोर्स क्योंकि हम लोग वाटर का ही बात कर रहे हैं। सो इसमें आपकी सॉल्ट के एग्जाम्पल लो, सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सेल, उसके बाद सैकराइड जैसे मोनो एंड डाई सैकराइड।
हाँ, बात करेंगे बात करेंगे। अभी अभी हठात से हम शुगर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा आगे और बात सोचना है, मोनो एंड डाइसैकराइड, ठीक है? इसीलिए हमने डायरेक्टली अभी शुगर की बात नहीं किया है, मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड, क्योंकि आपने शुगर कह दिया, किसी और को समझ में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड सॉल्ट, इस टाइप की जो सॉल्यूशन से, वाटर से सॉल्यूशन बनते हैं, तो वो है आपकी मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। नाउ दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्यों? क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टलॉइड का मतलब है क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। सो ये सॉल्यूशन को कहते हैं क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। अब आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस किसको कहेंगे? कोलोइडल, जिसमें कोलोइड फॉर्मेशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ना कोलोइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होगा जो क्लाउडी और थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है? क्लाउडी, थोड़ा सा वेपर टाइप की, क्लाउडी टाइप की उसमें होगा। सो स्मोक दिखने में होता है, स्मोकी, क्लाउडी, और इसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स नॉट क्लियर ट्रांसपेरेंट, सो इट इज ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन इसको कहेंगे। नाउ दिस ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशंस में कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स मिक्सअप होते हैं? इसमें आपकी मिक्सअप होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर, मॉलिक्यूल्स आर, इसमें होता है स्टार्च, मॉलिक्यूल्स आर स्टार्च, और मॉलिक्यूल्स आर क्या? लिपिड। मॉलिक्यूल्स आर स्टार्च, मॉलिक्यूल्स आर लिपिड, मॉलिक्यूल्स आर लिपिड एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन। ये तीन टाइप की मॉलिक्यूल से जो सॉल्यूशन बनते हैं, वो सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट टाइप का होता है, क्लाउडी एंड स्मोकी टाइप का होते हैं, इट्स नॉट क्लियर सॉल्यूशन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो है स्टार्च, ठीक है? वो है स्टार्च। इसीलिए मैं पहले मोनोसैकराइड एंड डाइसैकराइड को कहा, मैंने कोई डायरेक्टली शुगर की बात नहीं किया है। तो स्टार्च है, लिपिड है एंड प्रोटीन है। अब ये मॉलिक्यूल्स, ओके, नाउ ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसकी जो सॉल्यूशन बनते हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कोलॉइड। सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलॉइड। क्या कहते हैं इसको? कोलॉइड कहते हैं। सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कोलॉइड। डू यू अंडरस्टैंड? ये सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड। और ये सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? कोलॉइड। यानी कि मोटे मोटे तौर पे क्या समझना है कि एक्वस फेज में जो सॉल्यूशन बनते हैं, एक्वस फेज का जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप की होते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड में सॉल्ट, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड मिक्सअप होते हैं, और इसमें जैसे स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन की मिक्सअप में है तो वो है कोलॉइड। ये एक्वस फॉर्म्स की। नॉन एक्वस फॉर्म्स में क्या होता है? नॉन एक्वस फॉर्म्स में मॉलिक्यूल डू नॉट डिजॉल्व इन अ सच अ स्टेट,
that they do not dissolve. So non-aqueous में क्या होते हैं? Molecules do not dissolve. Molecule do not dissolve. अच्छा, molecule dissolve क्यों नहीं होते हैं? Because they are combined with the some another compound. So because they combined with another structure, कोई दूसरे structure के साथ combine होके है, इसीलिए वो dissolve नहीं हो सकता. example के तौर पे जैसे lipid which is actually combined with the plasma membrane. So the molecules, example, molecules with, so structure है जैसे plasma membrane water पे dissolve नहीं हो सकता, ठीक है. उसके साथ साथ सेल वॉल ये भी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि डिसॉल्व ये नहीं हो सकता. उसके साथ साथ जैसे क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम के अंदर का जो भी कंपोनेंट है, क्रोमोसोम ये भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है. सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे जितने सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गॉल्जी बॉडी, राइजोसोम, जो भी है, ये तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बना है. डू यू अंडरस्टैंड? सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल से बना होगा. सो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से किसी के साथ कंबाइंड है कि वो मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह से डिसॉल्व नहीं हो सकता. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ब्रिक्स होते हैं, है ना, डू यू अंडरस्टैंड? ब्रिक्स इस तरह से ब्रिक्स होते हैं ना, दीवार में इस तरह से ब्रिक्स होते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ द ब्रिक डिसॉल्व, ब्रिक जो है वो मिट्टी से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? वो मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है. मिट्टी पानी में डिसॉल्व है, फाइन, बट मिट्टी जब ब्रिक्स बन जाते हैं फिर वो डिसॉल्व नहीं होता. अगर मिट्टी डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर घर ही डिसॉल्व हो जाएगा, आपकी पूरा घर ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्या? डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो इस तरह से ये नॉन एक्वस मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, और उसको हम कहेंगे नॉन एक्वस फेज. क्या फेज कहेंगे? नॉन एक्वस फेज ऑफ द सेलुलर पूल. नॉन एक्वस फेज ऑफ द सेलुलर पूल. तो सेलुलर फेज का जनरली दो है, एक है एक्वस फेज और दूसरा है नॉन एक्वस फेज. फिर एक्वस फेज का भी दो है, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन फेज और कोलोइडल सॉल्यूशन फेज. अब आते हैं, there are some other compounds of life. अब तो ये elements की बात में चले गए. Now compounds of life. Compounds of life में दो ही बनते हैं. Compound of life is made up of two things, which is the cellular pool, which is a basically cellular pool. ठीक है. So cellular pool में inorganic compounds भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है. तो आसान शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सेलुलर पूल इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस.
inorganic substances और organic substances. So ये आपका ये दोनों चीजों से सेलुलर पूल बना हुआ है, ठीक है. अब हम लोग आते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सेलुलर पूल का जो रॉ मटेरियल्स है वो दे, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. नाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेलुलर पूल, फार्दर देख, जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलर पूल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेलुलर पूल, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वो कौन सी कैटेगरी है? पहला है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स. सो इसी जगह से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स. डू यू अंडरस्टैंड? मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है उसको हम समझेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स. नाउ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब है लार्ज, राइट. सो लार्ज मॉलिक्यूल, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल. सो दे आर इन द एंड. अब आपको वो इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर आपको आ जाएंगे जो हमने पहले पढ़ी थी. दे आर इन कोलोइडल स्टेट. They are in colloidal state. That is important. Colloidal state. अभी हमने पढ़ा colloidal state मतलब some molecules which are attached with the other structures. This is called as a colloidal state. They are dissolved तो है, but वो लोग molecules dissolve नहीं हो सकते, ठीक है. एक्वस में भी ये मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरी मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है. व्हेन दे आर सेपरेट सो दे कैन बी डिसॉल्व. समझ में आया? जब ये अलग है तो डिसॉल्व है. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है इसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स. दे आर इन द कोलोइडल स्टेट यानी कि अटैच विद सम अदर स्ट्रक्चर. नाउ these molecules are example. They are called polysaccharides. अभी इसी नाम से आप लोग जानो क्योंकि इसके बाद में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे polysaccharides, ठीक है. पहले बताया क्या? मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड. अब हम लोग यहां क्या बता रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में? पॉलीसैकेराइड एंड दे आर व्हाट? प्रोटीन्स एंड दे आर व्हाट? दे आर लिपिड. लिपिड एंड दे आर व्हाट? दे आर न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, अभी हमने पढ़ा, वो डिसॉल्व नहीं भी होते. सो न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स.
And these macromolecules are, they constitute, what, 90% of the total dry mass of the cell. इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझ लो. 90% ऑफ ड्राई मास ऑफ सेल. ड्राई का मतलब क्या है? विदाउट वाटर, माइनस H2O. सेल का जो भी कंपोनेंट विदाउट वाटर, इट इज कॉल्ड एज ड्राई मास. समझ में आया? कंपोनेंट मैं डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको नोट बनाने में कोई झंझट ना हो. कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट विदाउट वाटर, वाटर को माइनस करके जितने कंपोनेंट का मास है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई मास. तो 90% ऑफ द ड्राई मास इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड. ये हो गया मैं. द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली माइक्रो मॉलिक्यूल्स. जब मैक्रो है तो माइक्रो है ही. सो व्हाट आर दीज माइक्रो मॉलिक्यूल्स? लेट अस लुक एट द माइक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रोमोलिक्यूल्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड व्हाट आर दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स? दे आर वाटर. दे आर व्हाट? दे आर different minerals, right? जितने सारे essential elements है या थोड़ा बहुत inorganic compounds भी है, so they are minerals, right? Minerals are generally inorganic compounds. Then the amino acid. अब इस जगह में मैं कुछ मजे की बात आपको बताऊं. Amino acid. Now, amino acid, उसके बाद अब आते हैं सिंपल सुगर. ठीक. देन कम फैटी एसिड. नाउ वो भी पढ़ेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिपिड एंड द फैटी एसिड? वो भी हम देखेंगे. फिलहाल इसको बात करते हैं फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड हमने कहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट है और माइक्रोमोलिक्यूल्स में है क्या? फैटी एसिड. उसके बाद ग्लिसरॉल. इसके बाद है ग्लिसरॉल. ठीक है, ग्लिसरॉल. एंड द लास्टली न्यूक्लियोटाइड. ये भी मजेदार बात है, न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब देखो, This is amino acid. ये सारे amino acid. A for amino acid. Now these amino acid are linked with one another. ये linked है. These are linked. जब ये linked हो गया, so इस structure को, ये chain of amino acid क्या बना? चेन ऑफ एमाइनो एसिड. अब हम इसको कहेंगे प्रोटीन. जब इस मतलब है इट इज अ मेड विद द वन एंड द मेक अनदर स्ट्रक्चर. जब ये स्ट्रक्चर जैसा बना तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया. जब ये कोलोइडल सॉल्यूशन है तो ये प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ गया, क्योंकि छोटे छोटे, अगर मान के चलो ये 0.1 मिलीमीटर है, सारे 0.1 मिलीमीटर है. तो चार, ये सबको मिला के कितने हो गए? 5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर हो गए.
तो ये मैक्रो हो गया, साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसकी जो बेस है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में है। किस में आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया? मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो बन गया। और इंडिविजुअल अमीनो एसिड का बन गया? माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गया। इंडिविजुअल अमीनो एसिड का बन गया? माइक्रो मॉलिक्यूल बन गया। उसके भी नाउ दीज अमीनो एसिड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ओके, फॉस्फोरस एंड शुगर। आप सोचो, दीज अमीनो एसिड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड शुगर, ठीक है। तब देखो कितने, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, समझ में आया? ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, बट दीज आर एसेंशियल एलिमेंट दैट मेक अप दीज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सो हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे थे? हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कंपाउंड की। अभी अभी हमने बताया कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर कंपाउंड। वेन एलिमेंट ग्रुप टूगेदर दे बिकम द कंपाउंड। ये तो सिंपल सा बात है, केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। नाउ दे बिकेम, दे फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो दीज आर वेरी सिंपल। दे आर माइक्रो इज अ स्मॉलर एंड मैक्रो इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इनसॉल्यूबल बिकॉज दे फॉर्म द कोलॉइडल सिचुएशन। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, आपने थोड़ा सा ऊपर करके देखो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा एकदम डिटेल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से अब करो, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इट। अब बताओ इफ एनी क्वेश्चन यू हैव, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप बता सकते हो। सो नाउ लेट मी मेक इट अ स्मॉलर वन सो दैट यू कैन इजीली व्यू इट। मैं बहुत धीरे चलना चाहता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप देख सकते हो। सो दिस इज दैट व्हाट वी हैव बीन रेड, आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं, सो यू कैन हैव अ ग्रेटर व्यू। आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स, ऑल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल, इसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बेसिकली दीज कंपाउंड्स आर जनरली कार्बन कंपाउंड, इसी की बात कर रहे थे। सो बायोमोलिक्यूल्स में 118 नॉन एलिमेंट है, इनमें से 20 से 25 रेंजेस है। एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड दे आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट, बायो एलिमेंट कहते हैं। इस एलिमेंट्स में कुछ मेजर एलिमेंट है, कुछ माइनर है, कुछ एसेंशियल है, कुछ ट्रेस है। मेजर किसको कहेंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 3, 4 CHON, ये आपकी मेजर एलिमेंट्स में आएंगे। क्या इसमें आएंगे? ये मेजर एलिमेंट्स में आएंगे, समझ में आया? माइनर एलिमेंट्स में ये आपका कितना है? अराउंड 95% टू 97%। माइनर एलिमेंट में क्या आया? इट इज 5%। सो इसमें दो टाइप के होंगे, मेटल और नॉन मेटल, 3% मेटल, 2% नॉन मेटल। एसेंशियल एलिमेंट्स इज द मेजर एंड माइनर लेके टोटल 13 एलिमेंट्स इसमें है आपकी मेजर एंड माइनर मिला के। नाउ दी ट्रेस एलिमेंट्स की बात करेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स इज द लेस देन 1% ऑफ द सेलुलर कॉम्पोनेंट, इज नॉट इन द अर्थ बट इट इज इन द सेलुलर कॉम्पोनेंट। जैसे इसमें मेटल में आएगा कॉपर, कोबाल्ट, जिंक एंड मैग्नीशियम, नॉन मेटल में आएगा सिलिकॉन, फ्लोरीन एंड बोरोन, ये नॉन मेटल, ये आपकी ट्रेस एलिमेंट में आएंगे। अब द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सेलुलर पुल। अब क्या है? सेलुलर पुल, सेलुलर पुल मतलब कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसको कहते हैं पुल। आर प्रेजेंट इन द सेल मीन सेलुलर। सो सेलुलर पुल में दो फेजेस होते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस में मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? समझ में आया? हेलो, रिस्पॉन्स एनीबॉडी?
ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है? ओके, सो आज हम लोग इसी तरह ऐसे लीव करेंगे। आप एक बार वीडियो को देखो, अपना नोट्स बनाओ और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि